आके मतलब जब आपने अप्लाई किया था कितने महीने पहले अप्लाई किया था? मैंने जस्ट चाहा तो गया सैलरी बता दे, मेरे को पहले वही बता करना, बाकी तो बाद में बेल जो बोल रहा है। सैलरी तो अपना स्टार्टिंग है ओवर टाइम में ऐड हो जाएगा, तो ये तुम्हारे लिए प्लस बेनिफिट है। अगर मैकडॉनल्ड में ओवर टाइम मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बोलता हो ना कि यार 200, 250, 300 आराम तक खींच लोगे। अगर आपकी उनको यहाँ की करेंसी के बारे में नहीं पता होगा, यहाँ का कस्टमर कैसा आता है, उनका अरेबिक थोड़ा बहुत पता है, बेसिक मालूम थोड़ा बहुत मालूम है। हाँ नाम पूछ लेते। और आपका नाम? भाई मेरा नाम दाऊद शेख। दाऊद भाई डर लगता है। और कैसे हो? मैं गोवा से हैं। और आपका काम वगैरह क्या सिलेक्शन हुआ है? एक अप्रे और उनका वीजा ही नहीं आ रहा है, लास्ट 5 महीना 6 महीना 7 महीने से वेट कर रहे हैं भाई। यू आर वेरी लाइक बहुत लकी है। एजेंट का लगभग हमको लगा है अराउंड 65 तक। 65,000 है ना? हाँ मैंने ही आपको परेशान किया। तो अभी आके जस्ट नीचे बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ बंदे का, आ जाए तो मिलता हूँ, फिर जाएंगे ऊपर। मेरे को 3 वीडियो मेरी एडिट करनी बाकी है एंड फिलहाल सीन कुछ ऐसा है। तो ये है अपना ग्राउंड लेवल जहाँ पे लोग बैठते हैं, इंतजार करते हैं अपने बस का, चाय वगैरह पीते हैं, बस यही सीन है। तो भाई आफ्टर 30 मिनट वेट करने के बाद में भाई आ गया, तब तक मैं अपनी वीडियो एडिटिंग ही कर रहा था, तो आधा एडिटिंग हो गया आधा बाद में। तो चलो मिलते हैं, देखते हैं कौन है एंड कैसे है कहाँ से है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे आपको थोड़ा सा। क्या हाल है? बढ़िया यार, फ्रेंड है, घर पे बात कर रहे हैं। तो मिल गए, आओ। और कैसे हो? मैं बढ़िया भाई, अच्छा लगा आपको मिल के। चलो भाई थैंक यू। कहाँ गया आपका भाई, आपका दोस्त? वो फोन पे बात कर रहा है। फोन पे बात कर रहे हैं। अल्लाह कब आए? मैं आया हूँ 12 तारीख को। तो पहली बार जस्ट अभी आया, मिलके अच्छा लगा पहली बात। तो आपका नाम बता दो पहले। संदीप शांताराम कुरुमल। संदीप भाई हाँ, आपका ही मैसेज, बहुत सारा मैसेज आया है, तो मतलब चल फाइनली जो बंदे लोग आ जाएंगे उनको धीरे नंबर भी दे देंगे और उनसे मिलने का मौका भी मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी पहले बात करते हैं, नाम भी पूछते हैं, कहाँ से है क्या है, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैं कब से बोल के रखा था कि यार बंदा आ रहा है मिलने के लिए, उन्होंने मेरे को फोन, तुमने मेरे को जब फर्स्ट टाइम फोन किया था ना, तो मैं इनको बोल के रखा था कि यार बंदा आ रहा है। अच्छा। तो मिल के अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू यार। बताओ नाम बताओ वापस से एक बार। मेरा नाम संदीप है, मैं गोवा से हूँ। वाह आप भी गोवा से? इसके पहले 3 बंदे, मैं तो मुंबई से हूँ। मुंबई से? इसके पहले जो 3 बंदे आए थे ना वो लोग भी गोवा से हैं। और आपका काम वगैरह क्या सिलेक्शन हुआ है? मैकडोनल्ड में आया हूँ एज अ कैशर। एक नंबर भाई, एक नंबर। हाँ ज्यादा जानकारी मैकडोनल्ड के बारे में बहुत पूछा था। और अकोमोडेशन कहाँ पर दिया हुआ है? ये अपना ब्लॉक 3 में दिया है। ब्लॉक 3 ना, बस नजदीक ही है। एंड लोकेशन अभी तक क्या क्या हुआ आपका? अभी तो मेडिकल टेस्ट वगैरह हुआ है, ओरिएंटेशन हो गया है, फिंगरप्रिंट्स हुआ है। हाँ वो इम्पोर्टेंट है। अभी शायद से वो लोग और एक फाइनल मेडिकल टेस्ट है, तो उसमें अपना लाइक स्किन वगैरह ये सब वगैरह चेक करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? लग रहा है अच्छा, लग रहा है ठीक लग रहा अभी है। अभी तो पहला तो आज कितना दिन है? आज मेबी 20 डेज है। और तो भी अभी इनको एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि यार आके मतलब जब आपने अप्लाई किया था कितने महीने पहले अप्लाई किया था? मैंने जस्ट 1 मंथ अप्लाई किया था, 1 मंथ बिफोर। हाँ? तो 1 महीने के बाद में मेरे को लाइक वीजा वगैरह आ गया, फिर बाद में मेरा एक वीजा आने के बाद में 10-15 दिन में मेरा टिकट आ गया, कंफर्म हो गया। तो टोटल कितने महीने टाइम लगे आपको, आपको गोवा से कुवैत में आने के लिए? 45 डेज। इतना जल्दी? यस, इतना जल्दी भाई, बहुत नसीब अच्छी है तुम्हारी, कसम से बता रहा हूँ। मेरे जो कंपनी में इसके अंदर आने के लिए लोग है ना तड़प रहे हैं और उनका वीजा ही नहीं आ रहा, लास्ट 5 महीना 6 महीना 7 महीने से वेट कर रहे हैं भाई। यू आर वेरी लाइक बहुत लकी है यार। साथ में ही आया है, विद इन 45 डेज वी आर इन कुवैत। वाव रे, बहुत नसीब अच्छी है भाई, बता रहा हूँ तुम आगे। और एक और चीज पूछता हूँ, कुवैत में आओ एजेंट का कितना लगा? एजेंट का लगभग हमको लगा है अराउंड 65 तक। 65,000? और मेडिकल वगैरह अपना अलग से करना पड़ा, तो मेडिकल का मे बी अराउंड 15,000 तो चले गए। मेडिकल का 15,000? हाँ 15,000 या 10,000 के आसपास। हाँ ट्रैवलिंग वगैरह वो सब पूरा। तो जो क्या नाम है एजेंट का? एजेंट का अपना अफजल भाई। कैसे है भाई? ओशन ट्रैवल। हाँ ओशन ट्रैवल, यस भाई ओशन ट्रैवल सही है, बैठो ना भाई साथ में बैठो।
ओशन ट्रेवल अफजल भाई को जरूर मिलना, ही विल डू बेस्ट एंड एवरीथिंग विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओहो, तो भाई ओशन ट्रेवल मेरे को कुछ बोल रहे थे कि सही है कि नहीं सही है, एक दो बंदे ने पूछा था इंस्टाग्राम पर, ओशन ट्रैवल पे जाऊँ मैं मुंबई रहता हूँ और गोवा ट्रैवल करके जाऊँ तो मुश्किल है, अगर कहीं एजेंट फ्रॉड निकला तो ये तो जेन्युइन है ना? जेन्युइन एकदम जेन्युइन है, जल्दी जल्दी काम कर देगा, जल्दी काम करेगा, एक नंबर डेज के अंदर ही आगे एक नंबर। तो भाई एक और भाई है, पहले उनसे नाम वगैरह पूछ लेते क्या है, डायरेक्टली बात अभी नहीं हुई थी, फिलहाल नाम पूछ लेते। और आपका नाम भाई? मेरा नाम दाऊद शेख। दाऊद भाई डर लगता है। और कैसे हो? मैं गुड हूं, आप कैसे हो? बस बढ़िया है। गोवा से आप भी? हम गोवा से। अच्छा, सेम मैकडोनल्ड में ही? वाओ, दोनों लोग सेम पोस्ट पे आए कैशियर के लिए। कैशियर मतलब टीम मेंबर ही होगा? टीम मेंबर ही होगा, पता नहीं। और लोग बोल रहे थे कि कैशियर में लाइक सब कुछ काम करना पड़ेगा, लेट्स सी। अगर जो बर्गर किंग में काम करना होता है सेम मैकडोनल्ड KFC में काम करना होता है। अच्छा। तो कैशियर बोलते हैं कैश पे खड़ा है, हाँ कैश के पे खड़ा करके रखेंगे, उसके बाद में जाओ, पहले अभी स्टार्टिंग है, तुमको यहाँ की करेंसी के बारे में नहीं पता होगा, यहाँ का कस्टमर कैसा आता है, उनका अरेबिक थोड़ा बहुत पता है, बेसिक मालूम थोड़ा बहुत मालूम है, हाय, फिर ताल सुना है, आधा सुना है। हाँ ओके, तो ये सब मालिश में, तो सॉरी, थोड़ा बहुत अभी नहीं, कैशियर पे नहीं खड़ा करेंगे तुमको, पहले तुमको ट्रेनिंग देंगे, बहुत सारा ट्रेनिंग होगा, इसके बाद में पहले किचन में फ्रायर पे, फिर इसके बाद में बर्गर की पैटी पे कुक करने के लिए, फिर इसके बाद में आलू पे, फिर ड्रिंक्स पे, फिर बैक ऑफ द किचन पे, वॉशिंग एरिया में, तो बहुत सारा काम होता है। जो लोग मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग में काम कर चुके हैं उनको तो बहुत ज्यादा ही पता होगा। चलो फिलहाल अभी आते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कितना, 4 दिन या 5 दिन, कितना दिन हुआ? 1 महीना यहाँ पे? हाँ यहाँ पे, यहाँ पे लगभग 20 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, अभी ज्वाइन नहीं किया, राइट? अभी तक तो ज्वाइन नहीं हुआ है, मे बी विद इन अ वीक में शायद से हमको बुला लेंगे वो लोग, विद इन अ वीक में? यस। अरे वाह, मे बी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कैसा क्या होगा, कैसा दिन बचे, हाँ, और कुछ दिन बचे, अभी ऐसे टाइम पे आया हो ना यहाँ पे, अभी मतलब दिन में चालू नहीं होता क्योंकि रोजा वगैरह, हाँ रोजा वगैरह, तो दिन में चालू नहीं होता है हमारा रेस्टोरेंट, खुद दोपहर को 3 बजे स्टार्ट होता है एंड रात को मतलब इन द मॉर्निंग में 5 बजे बंद होता है। अच्छा, तो ठीक है, अभी फिलहाल तो अभी के टाइम पे ज्यादा वर्कलोड नहीं है, उसके बाद में भाई जो लोग ऐसा खाते है ना, दाल चावल रोटी बाजी वाले नहीं है, दाल चावल रोटी बाजी नहीं चाहिए, खाली बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, पास्ता चाहिए, यही सब चाहिए, मगर चलेगा, इनकी वजह से अपना घर चलने वाला है। गॉड ग्रेस की, चलो भाई और खाओ तुम लोग, हमको सैलरी आनी चाहिए ऑन द टाइम। तो टाइमिंग वगैरह क्या बोल रखा है? टाइमिंग तो अभी तो कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है क्योंकि शिफ्ट तो अभी कुछ बताया नहीं है, मे बी 1 वीक के पहले शायद से वो लोग बताएंगे कि टाइमिंग वगैरह कैसा रहेगा। 8 आवर्स तो हमको बताया हुआ है, 1 आवर ब्रेक बोला है, बट ऑफिशियली जैसा हम काम जाएंगे तो पता चलेगा बेटा, पता चलेगा कैसा क्या टाइमिंग रहेगा, क्या है क्या नहीं है। सही है भाई, तो मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ, जैसे कि सारे, अगर तुम्हारा 24 आवर्स ओपन वाला रेस्टोरेंट है ना, तो आपको 12 घंटा करवाएगा। अच्छा, जिसमें से 9 घंटा नॉर्मल आप कंपनी के लिए करोगे, बाकी के जो भी करोगे ना वो तुम्हारा ओवर टाइम में ऐड हो जाएगा, तो ये तुम्हारे लिए प्लस बेनिफिट है। अगर मैकडोनल्ड में ओवर टाइम मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बोलता हूँ ना कि यार 200-250-300 आराम तक खींच लोगे, अगर आपकी सैलरी कितनी है। चलो भाई मेन पार्ट यही है, सब लोग बेसब्री से इंतजार करते रहेंगे, भाई अच्छा हाथ हो गए, सैलरी बता दे, मैं तो पहले वही बता करना, बाकी तो बाद में बेल जो बोल रहा है। सैलरी तो अपना स्टार्टिंग है 160 है, 160 बेसिक सैलरी, और उसके ऊपर अपना ओटी वगैरह मिल जाएंगे, 160 बेसिक, उसके बाद में ओटी अगर ऐड होता है तो फिर प्लस। और खाना पीना का क्या सीन है? खाना पीने का उनका ही है सब कंपनी, लेकिन फिर भी क्या है, कंपनी देती है 2 KD देती है, उसमें बर्गर खा लो, ये खा लो, वो खा लो, फिर कितना दिन चलेगा। हाँ, तो अभी मैं बता दूं, उनको अभी क्लियर नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या है, कंपनी पैसा नहीं देगी, कंपनी कैसा नहीं देगी, देयर इज अ सिस्टम होता है, जैसे कि आप सही, पहले इससे पहले कहाँ काम किया? इससे पहले तो मैं, मेरा लाइन ही कुछ अलग था, तुम्हारा डोमिनोज में, तो थोड़ा बहुत तुमको पता होगा। तो कंपनी यहाँ पे ना, किसी कंपनी ना आपको है ना वो नहीं देगी, क्या कैश तो नहीं, कैश नहीं देगी, जस्ट आपको ना खाली ड्यूटी मील होता है जो कंपनी का 2 KD 3 KD के अंदर ही होता है, तो वो आपको खाली प्रोवाइड करेगी, उसको ही खाने का है, नहीं खाने का तो भी आपका वो कंटिन्यू हो जाएगा, आपको कैश नहीं मिलने वाला। मे बी कोई कोई कंपनी में जैसे KFC में वाउचर देते हैं, तो आप दूसरे रेस्टोरेंट में जाओ जो पसंद है वो खा सकते हो, वो वाउचर होता है उनकी कंपनी का, हमारे यहाँ पे भी मिलता था मगर अभी स्टॉप किया हुआ है।
सबको एक बेनिफिट है उसमें, जैसे कि पॉइंट्स वगैरह मिलता है हाँ। और जैसे कि 1,000 या 10,000 भी होता है तो उसे हम फ्री में खा सकते हैं विदाउट एनी। तो क्या फ्री में खाओगे वो अभी जो वो मैकडोनल्ड के अंदर गई? अरे भाई साहब जब वो हमारे इसमें भी आगा जब खाने लग जाओगे ना तुमको एक भी चीज नहीं खाने का मन करेगा। अभी नए हो ना तो ठीक है कोई नहीं, धीरे धीरे कुछ भी मतलब बोलेगा अरे यार दिल्ली ये देख देख के बना के वो क्या रहता है ना एक थक गया हूँ। हाँ तो बाद में फिर बाद में ट्रैवलिंग का क्या सीन है? ट्रैवलिंग का तो अपना इसका ही कंपनी का ही है। और ये मतलब अकोमोडेशन कंपनी का उसका तो ये हमारा है ना ये लाइक टेम्पररी दिया है, बाद में जब लोकेशन देगा तो शिफ्ट करेगा। लोकेशन दिया हुआ है मेरा तो न्यू जाबरिया है। न्यू जाबरिया ओके। और मेरा लोकेशन इन हवाली। सो दे टोल्ड मी दे आर गोइंग टू गिव अस अकोमोडेशन इन हवाली। चलेगा। अभी ये जो यहाँ का जो मैकडोनल्ड के बंदे लोग हैं ना सामने ही है यहाँ पे पूरी इसके पीछे ये भी यही पर है। इतना दूर से कहाँ ढूंढ रहे हैं क्या है ना? हाँ ये सामने ही पूरी मैकडोनल्ड की बिल्डिंग है। हाँ नंबर देख रहे वहाँ पे 220 दिखा रहा है, फिर इस तरफ में आ रहे तो 230 दिखा रहा है, कुछ अजीब सा थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया। तो फिर हम लोग उस तरफ में चले गए तो एक लेडी को पूछे हम लोग सुना मैं बोलते हैं तो मैम ने बोली यू गो फ्रॉम स्ट्रेट देन टेक अ लेफ्ट यू विल गेट देयर यू कैन सी दैट बोर्ड फ्रॉम देयर यू कैन कंटिन्यू सीधे। चलो भाई वहां से हम लोग ने कंटिन्यू किया। चलो सही है। और कुछ ऐसा है वो एक्स्ट्रा बोनस वगैरह कुछ बताए? बोनस वगैरह तो आफ्टर 6 मंथ के बाद में देने वाले है, पता नहीं अभी कैसा क्या स्ट्रक्चर। अब धीरे धीरे घुसोगे ना तो कॉन्टेक्ट नंबर लेके रखना, धीरे धीरे घुसोगे ना तो आपको ना पूरा नॉलेज मतलब पूरा नॉलेज। और वेकेशन वेकेशन का क्या सीन है उसमें? स्कोप बहुत अच्छा है। हां आपको जाना रहेगा ना तो उसमें क्या रहेगा 6 गारंटर्स वगैरह दे दो ताकि ये बंदा श्योरिटी रहे कि वापस काम ज्वाइन करने के। और प्लस लाइक अपना ये भी देना पड़ता है लाइक कुछ जेन्युइन रीजन देना पड़ता है कि क्यों जा रहा है किस वन ईयर में आप बिफोर वन ईयर ना अगर कोई इमरजेंसी हो तो ही जाना है नहीं तो फिर मुश्किल है। हाँ, okay. 2 साल के बाद आराम से बिंदास। हमारे इसमें भी 2 साल के बाद एक बार रुक जाओगे मगर कैसा सीन है कि लोग जा रहे हैं 1 साल के बाद में कोई दिक्कत नहीं मगर 2 साल के बाद में ठीक ही है। और इसके बाद में हर साल में कंपनी आपको भेजेगी मतलब तुम जा सकते हो 35 डेज के लिए एंड आपको टिकट का पैसा भी मिलेगा। तो टिकट वगैरह 2 साल के बाद देगी कंपनी? यस। चलो बाय। बहुत लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलने वाला है। 45 दिन में किसका वीजा आता नहीं है और 45 दिन में कोई भी कुवैत में नहीं आया इवन तो मेरे को 8 महीना लगे यहाँ पर आने के लिए बट यू गाइस सर सही है हम लोग 1.5 महीने में पहुंच गए। 1.5 महीने बोल रहा हूँ ना बहुत बड़ी बात है। और भाई जाओ ओशन वाले के पास में सब लोग हंगामा कर दो कि भैया हमारे को भी भेजो और उनके पास में बहुत सारा अभी भी वैकेंसी आता ही होगा ना आते ही रहते ना चालू ही है अभी भी लाइक देयर आर रिक्रूटमेंट फॉर अराउंड 200 पीपल्स फॉर मैकडॉनल्ड्स एज अ सर्विस क्रू अगर कोई इंटरेस्टेड है हम लोग क्या करेंगे आपको अपना जो एजेंट है उसका डिटेल्स वगैरह दे देंगे भाई तो शेयर कर लेंगे आपके साथ अगर जिसको भी इंटरेस्टेड है कोई इंटरेस्ट लाइक आना चाहता है तो हम लोग आपको नंबर वगैरह डिटेल्स वगैरह सब कुछ शेयर कर देंगे। भाई आना चाहता नहीं लोग मेरे को इतना मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम मेरा फुल है। हाँ, मैं अभी तक कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं किया हूँ क्योंकि मेरे को खाली वो बोल रहे कि जॉब दिला दे और मेरे हाथ में है नहीं क्योंकि जैसी बात है किसी ना किसी एजेंट को पकड़ना पड़ेगा और वो लोग सोचते हैं कि यार मैं ही उनको बुला लूं मैं इधर खुद एज ए टीम मेंबर काम कर रहा हूँ यार मेरा एक्सपीरियंस ये है। तो हाँ ओके श्योर बात कर लो। तो इसके पहले कौन सा काम बोल रहे थे आप किए? मैं एक्चुअली पहले मैं इंडिया में जब था मैं गोवा में तभी मैं IDFC बैंक के लिए काम करता था एज अ सेल्स ऑफिसर। मैं वहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का लोन करता था जैसे कि AC TV वॉशिंग मशीन ये वो सब मैं फाइनेंस वगैरह करता था। तो उतना कितना फिर सैलरी था वहाँ पे? कम था बहुत लाइक सैलरीज वगैरह का। अच्छा 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 तो उसके लिए भाई बहुत सही 160 किसको भी नहीं मिल रहा है यहाँ तक जो मेरे इसमें भी आएगा ना उसको 140 लास्ट है। अच्छा ओवर टाइम करके भले वो अच्छा खासा कमा ले बट 140 लास्ट है। लेकिन अपना जो एजेंट था वो जेन्युइन था उसने बताया कि भाई तुमको इतना मिलेगा तो उसने उसके जुबान पे हम लोग ने यहाँ पे आए सही किया। मगर अभी उनके जुबान कब मतलब सच होएगा जब तुमको पहला सैलरी तुम्हारे हाथ में मिलेगा तब उनको थैंक यू बोलना।
कहाँ गया, उनको थैंक यू बोलना कि यार जो आपने मेरे को बोला भाई वो मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह यार टेंशन नहीं है। अफजल भाई बहुत सही आदमी है, अफजल भाई के बाद में भेज देना ये शेयर जब वीडियो आउट होगी, ये वीडियो 3 दिन के बाद में आउट होगी, नो प्रॉब्लम। हाँ फिर भी इन दी एंड फाइनली भाई को मिले, अच्छा लगे। यार थैंक यू सो मच बड़ी यार, सच में कोशिश कर रहे थे हम इसको मिलने के लिए, मैं तो परेशान करके रखा था ये भाई को इंस्टाग्राम पे फोन कर रहा हूँ, जब भी मैं जब भी इंडिया बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो भाई को मैं फोन कर रहा था भाई थोड़ा बिजी थे शायद से, काम पे थे या पता नहीं कहाँ पे, एकोमोडेशन पे थे काम में यार, वो टाइम में भाई ने देखा नहीं, फिर दूसरे दिन भाई ने देखा फोन, फिर उसने रिप्लाई किया कि भाई कुछ रहेगा तो बता देना, तो मैंने बोला कि मैं आ रहा हूँ कुवैत, आपको मिलना चाहता हूँ, तो भाई ने बोला कि आप कुवैत आना तभी मैं आपको पर्सनल नंबर देता हूँ, जरूर मिलेंगे। भाई मैंने ऐसे ही बोला था, सही बता रहा, मैंने झूठ बोलना नहीं है इसमें, क्योंकि मैं अगर पहले नंबर देता ना भाई बहुत परेशान कर रहे हैं, अभी भी आपको दिखाऊंगा एक मैसेज भाई, मैं परेशान हो गया हूँ, वो मैं सोच रहा हूँ उसको ब्लॉक ही कर दो, फिर बोला कि नहीं 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 जान दे यार, लोग मैं जैसे आने के लिए तड़प रहा था, जैसे कि भाई वो भी उसका पैसा लगा है कब मिलेगा, तो एक नीट थी, तो मैंने अभी तक ब्लॉग नहीं किया, मतलब चल ठीक है इसको रिप्लाई कर देंगे, फोन भी कर देंगे, तसल्ली तो मिलेगी एटलीस्ट, तो सीन ऐसा ही था। और थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, वीडियो पहली बार तो वीडियो देखा, क्या सर्च किया था? जस्ट ऐसे कुवैत, जब मैं कुवैत फर्स्ट टाइम मैं आने वाला था तो मैं कुवैत के रिगार्डिंग में चेक कर रहा था कि कैसा माहौल है, कैसा क्या रहता है, क्या लाइक कैसा कंट्री है, तो वहाँ पे मैं आपका भी पेज देखा, आपका यूट्यूब का कुछ शॉर्ट्स आए थे, बाद में वहाँ से देखने चालू किया, तो बाद में आपका वीडियो देखते देखते रहा कि आप ट्रैवलिंग का बताते थे, शॉपिंग वगैरह का, तो वैसे मैं आपको देख देख के फिर बाद में आपको कांटेक्ट करने लगा। देखा नहीं, मेरे तो सब्सक्राइबर भी नहीं थे उतने ज्यादा, इतने ज्यादा लोग भी नहीं जुड़े थे, लोग तो नहीं थे लेकिन मैं सब्सक्राइबर हूं यार। नहीं, जब आप टाइप करेंगे ना यूट्यूब में कुवैत का रिगार्डिंग कुछ भी, तो आपका भी ब्लॉग आता है, क्योंकि आप यहाँ से ही ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, शायद से आप हैशटैग वगैरह यूज करते हो कुवैत का, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट आपका वो लिस्ट में नाम आ रहा है। अच्छा अच्छा, सो मे बी आपका यूट्यूब मॉनिटाइज भी हुआ रहेगा शायद, हो गया तो उसके लिए आ रहा है, माशाल्लाह अच्छा लगा। लेकिन चल भाई मेरे को भी सही बोला, दोनों बंधु से मिलके भाई जेन्युइन है, सही है, सरस है। 2 दिन पहले एक बार मैं सो रहा था तो इनका फोन आया था, मैंने बोला भाई मैं सो रहा हूँ और मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, मैं अभी सो रहा हूँ, तो बोलते कोई नहीं आप सो जाओ मैं आपको फोन करता हूँ, तो भाई ने मेरे को फिर अगले दिन मैंने सामने से फोन किया, बोला कि यार मैंने जवान दिया है और मेरे को फोन करना है, मैं आधे घंटे से वेट भी कर रहा था, फिर मैंने फोन किया, बोला भाई बोलता कि मैं अभी निकल रहा हूँ मैं आता हूँ, तो फाइनली भाई आए और लिटरली बता रहा हूँ सुकून मिला, ऐसा लग रहा है कि मेरा वीडियो डालना वर्थ इट हो रहा है भाई, वर्थ इट हो रहा है, कुछ लोग काफी लोगों का अच्छा, कुछ क्या क्या हेल्प हुआ, क्या मदद हुआ मेरी वीडियो से, जैसे कि पैकेजिंग का पैकिंग क्या क्या लेके आना है, क्या क्या लेके आना है क्या नहीं, और थोड़ा बहुत इधर का कंट्री का रूल्स वगैरह आपने जो शेयर किया था वो भी थोड़ा बहुत मेरे को जानकारी इन्फॉर्मेशन मिला आपका वीडियो को थ्रू, और आप यहाँ वहाँ घूमते थे लाइक कहाँ पे चीप मिलता है ये सब, लाइक वो थोड़ा बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो उसी थ्रू से मैंने आपको ये करने लगा, चालू करने लगा। एक MS के करके भी है, उसको नहीं मैसेज किया, बाकी अनदर यूट्यूबर को नहीं देखा। हाँ एक और बंदा था MS मोहम्मद समथिंग का नाम, फारूक खान भी मैंने देखा था लेकिन मैंने उनको मैसेज किया नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या वो एक ये रहता है ना कि भाई हाँ यही बंदे को मैं कर लूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है वो अंदर से एक फीलिंग आ रहा था कि भाई हाँ ये मिल पाएगा, हाँ। तो वो एक फीलिंग कुछ और था, तो उसके लिए मैंने आपको डायरेक्टली फर्स्ट आपको मैंने मैसेज किया और उसके बाद मैंने किसी और को मैसेज किया ही नहीं। चलो मेरा भाई, चलो भाई तो इस वीडियो को समअप करते हैं, और वो घर पे बिजी लग रहा है। नहीं वो घर उसका घर से फोन आया और 2 दिन से बात नहीं किया, क्योंकि ओरिएंटेशन वगैरह था ना, तो बिजी शेड्यूल था 2 दिन से, तो इसके कारण बात हुई नहीं घर पे, मैंने भी बात नहीं किया है, मैं अभी घर जाके बात कर रहा हूं आराम से। तो अभी मुझे लग रहा है कि पीछे जो नमाज क्या बोलते हैं उसको, नहीं पता अपना नमाज चालू है, नमाज टाइप का कुछ चालू है, कुरान चालू है, कुरान पढ़ रहे हैं, एंड इसकी वजह से आवाज थोड़ा सा वो होता होगा, प्लीज एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है मेरे को, नहीं तो फिर मैं अंदर लेके जाता आपको, और सिक्योरिटी चिल्लाएगा मेरे को, क्योंकि बोलता है कि जिसको भी मिलना है यहाँ पे बाहर मिलो, अंदर लेके जाने में अंदर लेके जाता था, बात करता था, एंड जी हाँ मेरे को बहुत मिलके मजा आया, आई होप सो कि आपको भी इस पॉडकास्ट बोल सकता हूँ मैं कि बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस
नॉलेज मिला रहेगा तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो शेयर कर देना, बाकी आपकी मर्जी, देखते रहो, खुश रहो, आओ आप भी ढेर सारे पैसे कमाओ भाई की तरह। भाई को जरूर फॉलो करना प्लीज और लाइक एंड शेयर भी कर देना। वाह वाह वाह, तो भाई की तरह आप भी पैसे कमाओ, यहाँ पे आके अभी अपनी लाइफ तुम भी स्टार्ट करो, हो सके तो वीडियो वगैरह बना के भेजो जरूर। एक दिन ये भी करेंगे कि भाई को बोलेंगे कि भाई अपने लिए कुछ खाना भी पका लो, हम आएंगे आपके हाथ से खाना के लिए, क्योंकि भाई खाना वगैरह पका तो सभी वीडियो डालते हैं तो जरूर मेरे को एक बार ट्राई करना है आपका। इंशाल्लाह 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 जरूर जरूर। अगर मैं अकोमोडेशन छोड़ता हूँ और जाता हूँ कहीं तो वहाँ पे किसको भी अलाउड है, कैसे भी आ सकता है, मिल भी सकता है, और तो फिर मैं जरूर जरूर जरूर, अगर नहीं छोड़ता हूँ तो फिर इंशाल्लाह इंडिया गोवा में मैं आऊंगा यार, जब भी आओगे ना तो हम आपको घुमाएंगे। यस यस यस। तो भाई अपनी स्टार आर्मी यहाँ पर भी आ गई है, तो ये रही मेरी स्टार आर्मी यहाँ क्या। थैंक यू सो मच ब्रदर। चलो मैं इस पॉडकास्ट को खत्म करता हूँ और जाके थोड़ा बहुत और अपना पर्सनल जो भी और भी क्या एक्सपीरियंस है वो सारी बातें कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। ये रहे हमारे सुमन जी और हमारे भाई, मिल लो दोस्त लोग से, हाथ मिला लो। तो सुमन भाई भी आ गया सडनली, सुबह मॉर्निंग में भाई गए थे तो भाई मिलने आए थे, तो फिर मिल रहा हूँ इन लोग से, तो बाकी की बातें हम लोग रूम में करेंगे, मिलते बाद में। हाय बॉय, फाइनली चलो भाई, मिलेंगे भाई, मजा आया, चलो चलो मिलते हैं भाई, सही है, चलो भाई, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सब करना भाई को, चलो भाई, बहुत लिटरली बता रहा हूँ, मजा आया, इतना देर तक मैंने अभी तक किसी भी के, दो घंटा हो गया एटलीस्ट मेरे को, 7 बजे आए थे राइट, दो घंटा हो गया अभी तक मैंने किसी भी से इतना नहीं मिला। हाँ, इटालियन फूड किसने ऑर्डर, इधर बाजू में, बाजू में, हाँ।